अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस, आज हम बात करने लगे हैं एनुअल यूथ फेस्टिवल यानी रफाकत स्टोन लिफ्टिंग मेला की, जो कि हर साल मौसम बहार की आमद पर फरवरी में झेलम के गांव गंदरीली में मुनक्किद हम करवाते हैं। तो यहां पर ये होता है 16 फरवरी को, और बेसिकली ये एक खाड़ा होता है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर पत्थर होते हैं जिनको हमारी सकाफती जुबान में बुगदर कहा जाता है, उनको उनका वज़न किया जा रहा है। और यहाँ पर 15,000 से 20,000 शायकीने मेला और 35 पहलवान पूरे पंजाब में से आए। और यहाँ पर एक खाड़ा होता है जिसमें पहलवानों ने एक दूसरे से ज़्यादा वज़न उठाना होता है, और जीतने वाले को नकद इनामात और मोटर बाइक्स मिलती हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर था एक चैलेंज, अभी वीडियो आएगी, देखना गज़। ये वीडियो देखो, यहाँ पर ये है पहलवान सखावत जिन्होंने चैलेंज किया जुनेद जट को, और इन्होंने यहाँ पर 4 मन 35 शेर इनसे नहीं उठाने हुआ। ये है पहलवान जुनेद जट जिन्होंने 4 मन 35 शेर उठा लिए, देख सकते हो आप। अच्छा, मैं बता दूँगी क्या था। पहलवान सखावत ने चैलेंज किया पहलवान जुनेद जट को, ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे छोटे पहलवान भी थे, आप देख सकते हो, जो 4 मन से अंडर उठाते हैं। और उन्होंने चैलेंज किया तो दोनों ने पहले 4 मन 10 शेर उठाया, फिर 4 20, फिर 4 30, लेकिन एंड पे पहलवान सखावत से 4 35 नहीं उठाया गया, जो कि पहलवान जुनेद जट ने बासानी उठा लिया, जैसा कि आपने देखा। यहाँ पर इनाम भी वही ले गए क्योंकि 4 मन 35 शेर मेले में इतना किसी ने नहीं उठाया था, और ये मेरे ताया का रिकॉर्ड था, और मेरे ताया भी बहुत बड़े पहलवान थे। उन्होंने 2010 और 2012 के दो खाड़े जीते थे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हैं झूले और कुछ स्टॉल्स हैं, स्टॉल्स में खाने पीने की चीज़ें हैं। मेन खाड़े के साथ साथ ये भी मेला होता है, और शायकीने मेला, और बाकी लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर आते हैं। राइट पे बाइक से अंदाज़ा लगाओ यहाँ पर कितने ज़्यादा लोग हैं, और जो खाड़ा देखने आए थे वो तो और ज़्यादा थे भाई। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, ये याद रखना कि जो हमारी मेले की पूरी वीडियो है वो भी इसी चैनल पे आएगी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, और अल्लाह हाफिज़।